अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं हूँ रिजवान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिजवान अली 786। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़मान में रखे, अल्लाह ताला आप खुश रखे, सलामत रखे और कामयाबियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। दोस्तों, आज अब मैं एक टॉपिक लेके आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। वो टॉपिक है आपके कैमरे के फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों, आप चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। मेन टॉपिक की तरफ जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में दें। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो हम आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, ठीक है। मोबाइल की स्क्रीन पर आके आपने सबसे पहले अपने प्ले स्टोर पर चले जाना है। प्ले स्टोर पर जाके आपने इधर से सर्च करना गूगल ट्रांसलेट। तो इस सबसे पहले वाली ऐप पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने इस ऐप को इंस्टॉल कर देना है, कर लेना है। मैंने पहले ही इंस्टॉल करके रखी हुई है। तो इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की जो है ना, वो स्क्रीन शो हो जाएगी इसके ऐप की। तो इसके सबसे पहले जो सबसे मेन बेनिफिट जो है, वो मैं आपको बताऊंगा कि आप इसका कोई भी किसी भी मुल्क की ज़बान को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करके उसकी ट्रांसलेट कर सकते हैं और वॉइस ओवर भी कर सकते हैं। वॉइस बोल के भी आपको आप किसी दूसरे बंदे के मिसाल के तौर पर आपको नहीं समझ आ रही, उसकी वॉइस आप इधर रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपनी वॉइस आप उधर उसको कन्वर्ट करके सुना सकते हैं। तो और दूसरा फ़ायदा जो है, वो आप किसी भी जो ज़बान की ट्रांसलेट जो है वो पिक खींच के भी कर सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए मैंने ये एक बिल रखा हुआ है इधर, मेरे पास एक बिल है, ठीक है। तो मैं आपको समझाने के लिए इसके एक पिक लूँगा। पिक लेने के बाद आपको बताऊँगा कि ये किस तरह ट्रांसलेट करता है। मैंने ये, मेरे पास उर्दू का पेज है, मैं उर्दू से इंग्लिश का ट्रांसलेट करके आपको दिखाऊँगा। तो ये दोस्तों मेरे पास आ गया एक बिल, इसकी मैं ले लेता हूँ पिक। तो पिक ली, ये देखें दोस्तों, पिक लेने के फौरन बाद ही इसने टोटल जो है वो जितना जितनी पिक साफ क्लियर थी उसने उधर सारी इंग्लिश की ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। तो एक तो ये फीचर हो गया इस कैमरे के बारे में। इसका कैमरे से आप इसका जो है फ़ायदा ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ दूसरा भी मैंने इसके इस ऐप के बाद जो इंफॉर्मेशन दी, मालूम थी, वो मैंने आपको बता दी है। अब दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो इस कैमरे के दूसरी जो ऐप है वो है फोटो मैथ के नाम की एक ऐप है। इसको भी, ये भी आपके ऐसे आपको जो है वो प्ले स्टोर से ही मिलेगी। प्ले स्टोर से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके तो इसके बारे में मज़ीद आपको बताऊंगा आगे जाके कि क्या फ़ायदा। मैं पहले सबसे पहले आपने प्ले स्टोर पर जाते हैं। प्ले स्टोर पर जाके आपने इधर लिखना है फ़ोटो मैथ। तो दोस्तों आपने इस ऐप को सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद कुछ इस तरह का मोनो आपके सामने इस ऐप का शो होगा, ठीक है। आपने इसको अपनी डिवाइस में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने का सबसे पहले मैं आपको इसका कुछ थोड़ा सा बेनिफिट बता देता हूँ कि आपके मैथ का कोई भी सलूशन हो, कोई भी सवाल हो, वो हल करने में ये बहुत ही आला किस्म की ऐप है। वो बहुत ही आपका साथ देती है ये ऐप, ठीक है। किसी भी किस्म का सवाल हो, आप उसके सामने इसको आप अपनी कोई भी बुक को या किसी भी जगह पर जो लिखा हो उसकी पिक लें। पिक लेने के फौरन बाद बस इसको जो है ना, वो ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिल जाता है। तो मज़ीद प्रैक्टिकल समझाने के लिए मैंने एक बुक का पेज लिया, उसमें मैंने कुछ ना छोटे से दो तीन रूप लिखे हैं, बस उसके मैं समझाने के लिए आपको ना। तो चेक करते हैं, इनको ओपन करते हैं इस ऐप को। इस ऐप को ओपन करने के बाद मैंने देखें, ये मिसाल के तौर पर ये ऐप आपने, मैंने ना कुछ हरफ लिखे हुए हैं मैथ के जो आपको सिर्फ समझाने के लिए। तो इसकी मैं पिक ले लेता हूँ। पिक लेने के फौरन बाद ये देखे फौरी तौर पर ये आपको आंसर मिल गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी ऐप जो है आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी और बहुत ही अच्छी आपको लगी होगी। तो अगली जो है ट्रिक नंबर 4, ठीक है, वो है कैमरा स्कैनर, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर कैमरा स्कैन, ये मैंने पहले ही आपको ये भी डाउनलोड करके रखी हुई है। मैं आपको ये भी प्ले स्टोर से ही आपने इंस्टॉल करनी है। मैं आपको एक बार जाके सर्च करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। कैमरा स्कैनर, कैमरा स्कैनर का ये फ़ायदा कि आप मिसाल के तौर पर बहुत ही ज़्यादा कुछ ऐसी किताबें, बुक्स वगैरह होती हैं, कहीं भी दोस्त हमारे जो इस इन बुक्स को नहीं अफोर्ड कर सकते, जो बहुत ही महंगी महंगी बुक्स होती हैं, तो आप किसी भी अपने दोस्त के पास जाएं, जिस उसके पास जाके उसकी सारी पिक लें। पिक ले के आप पूरी एक बुक तैयार कर सकते हैं इस कैम स्कैनर में।
मैं आपको इसको पहले नंबर पे प्ले स्टोर पर जाके आपको बता दूं कि आपने किस नाम से सर्च करनी है, कैम स्कैनर, ये सबसे पहले आ गई है कैम स्कैनर के नाम से। आपने पूरा लिख लेना है, ना भी लिखे तो ये सामने फर्स्ट पे आ जाएगी। कैम स्कैनर किसी ओपन का आप इसको ओपन कर लेना है और अपनी डिवाइस में इंस्टॉल कर लेना है। डिवाइस में इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरह का आपके सामने जो है ना इसका फीचर शो होगा। तो ये नीचे सबसे नीचे आपको नज़र आ रहा है कि कैमरा, ठीक है, इसके कैमरे को ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद मिसाल के तौर पर ये मैं बिल ही ले लेता हूँ। ये आपने किसी भी बुक का पेज ले लेना है, ठीक है, ये मैं बिल की पिक ले लेता हूँ। तो ये आपके सामने बिल्कुल जो है वो समझ लें कि एक बुक की तरह जो है ना वो आपके सामने ये पेज बना के और ओके करके आपको देती है। ये देखें बिल्कुल रेडी हो गया। इस तरह लग रहा है कि जिस तरह एक बुक तैयार कर रहे हैं। तो इसका एक ये फ़ायदा हो गया, ये भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसका मज़ीद फीचर जो है वो आप मज़ीद अपनी जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसकी मज़ीद डिटेल में आप जाके आप चेक कर लेना। तो इसकी और चौथी जो ऐप है और मेन जो ऐप है कि आप अपने मोबाइल को किसी भी जगह पर रख देते हैं, ठीक है, किसी भी आप जगह पर रख के आप किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं, मोबाइल आपका इधर पड़ा हुआ है, तो ये ऐप जो है ना क्रॉक कैचर एंटी थेफ्ट ये बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। ठीक है, ये फ़ायदा क्या होती है कि आप इस ऐप को डाउनलोड अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं ना, जब डाउनलोड करके रख लें और इसके बेनिफिट ये हैं कि आपके वो ये वो ऐप है ना आपकी आपके मोबाइल पर ईमेल का भी आपको जो नोटिफिकेशन देती है अगर आप ईमेल का नोटिफिकेशन लगाना चाहते हैं, और दूसरे पर जो भी बंदा इसका आप इस ऐप के ज़रिए गलत कोड आपके मोबाइल पर लगाएगा तो उसकी पिक भी ले लेगा। ठीक है, और इसके अलावा इसके मज़ीद फीचर्स भी हैं, वो भी हम आपको इस ऐप के जो है ना ओपन करके दिखाऊँगा। तो आपने ये भी आप अपने प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, क्रॉक कैचर एंटी थेफ्ट, ठीक है, ये ऊपर वाली सबसे पहले अगर ये आपको शो हो रही होगी इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपके इस तरह का कोई मेनू शो होगा आपको इसके ऐप का। ठीक है, इसको आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद कुछ आपसे परमिशन मांगेगा, मैंने परमिशन दी हुई है पहले से ही। ठीक है दोस्तों, मैं जो भी आपके सामने कोई ऐप वगैरह या कुछ भी किसी भी तरह के ट्रिक लेके आता हूँ तो मैं सबसे पहले इसका प्रैक्टिकल खुद करता हूँ ताकि आप दोस्तों का टाइम ना ज़्यादा हो सके। तो सबसे पहले ऐप की सेटिंग्स के बारे में आप कुछ इसको ओपन करते हैं, बता देता हूँ। ये देखें, फेल्ड अनलॉक, यानी कि आप वो कह रहा है कि जो है एक दफ़ा पे ही अगर आप गलत कोड लगाएं तो ये पिक्चर ले ले। ठीक है, इसको आप दो पे भी रख सकते हैं, तीन पे भी रख सकते हैं और चार पे भी रख सकते हैं, पांच पे भी, जितने भी आप रखना हो। मैंने एक पे रखा हुआ कि एक बार फौरी तौर पर ये पिक लेनी, या जो बंदा छेड़छाड़ी कर रहा हो मेरी मोबाइल के साथ उसकी पिक ले ले। ठीक है, और मुझे नोटिफिकेशन भी आता रहे। ठीक है, और दूसरा इसका पिक्चर के जो बारे में पूछ रहा है कि आप फ्रंट कैम की लेने जो है वो पिक्चर ले या बैक की पिक्चर ले। और तीसरा लोकेशन, कि जिस जगह पे बंदा कोई भी आपके मोबाइल को छेड़छाड़ी कर रहा होगा फौरी तौर पर आपको उसी जगह की लोकेशन जो है वो भी ट्रेस हो जाएगी। ठीक है, तो और तीसरी जो है वो क्या बता रहा है कि रिकॉर्ड साउंड, कि आप रिकॉर्ड साउंड भी कर सकते हैं, जिधर भी जहाँ भी किसी भी जगह पे बंदा जो भी बात कर रहा होगा वो आप साउंड रिकॉर्डिंग वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो प्रो वर्जन में है। ठीक है, प्रो वर्जन भी आप को इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि प्रो वर्जन कहाँ से जो डाउनलोड करना है आपने। और नीचे जो आ जाता है ईमेल, ठीक है, आपने अपना ईमेल लगा सकते हैं इधर, मैंने अपना ईमेल लगा के रखा हुआ। ठीक है ना, तो आप जब भी इस ईमेल को मिसाल के तौर पर ये आपका कोई भी कोड गलत लगाएगा ना जब भी, तो आपको फौरी तौर पर इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा ईमेल के ज़रिए। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि अब जो मैंने दो तीन जो कोड गलत लगाए थे उसकी पिक्चर वगैरह भी आपको बताता हूं कि दिखाता हूं कि किधर आएंगे। ये कि देखें, मैंने जो दो तीन चार जो चार दफ़ा मैंने कोड गलत लगाए हैं, चारों दफ़ा इसने पिक लिया। ठीक है, पिक लिया, और उसके बाद मैं आपको इसका मेन जो बात दूसरी बताता हूँ कि मेरे जो नोटिफिकेशन भी गूगल की तरफ जो हुआ जो गूगल की तरफ से भी मिला है वो ये देखें, ये आए हुए हैं अलर्ट 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 तीन चार दफ़ा, यानी कि चार मैंने कोड लगाया और चारों दफ़ा ही मुझे वो है वो गूगल की तरफ से वो अलर्ट भी आई है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मुझे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।